सो हेलो एवरी वन दिस इज़ एज़र फिनहस एंड यू आर वॉचिंग एलीजर एजुकेशनल अकेडमी तो लास्ट टाइम हम सेकेंड ईयर पी एच टी का टारगेट पेपर कर रहे थे टारगेट पेपर में कुछ क्वेश्चन थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टोटल फोटी टू हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स टोटल एटीन हैं जो कि अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरह से इसको याद तो आप आराम से पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 200 हंड्रेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज़ ऑफ़ सेकेंड ईयर इंग्लिश किए हैं अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट बनी हुई है हर एक चीज़ की अगर आपने एम सी क्यूज़ देखने हैं तो सेकेंड ईयर पाकिस्तान सॉरी सेकेंड ईयर इंग्लिश एम सी क्यू की प्ले लिस्ट बनी हुई है उस नाम से तो आप वहाँ पर जितने भी एम सी क्यूज़ इंग्लिश के अपलोड हुए हुए हैं तो वो आप आराम से देख सकते हैं और ये जो ये हम सेकेंड ईयर पी एच टी की जो सीरीज़ चलाई है जो टारगेट पेपर चलाया है जिसको जिसके जिस सारे भी क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप आराम से सॉरी फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी लेने के काबिल हो जाएंगे तो जो वो सीरीज़ है उसके हम क्वेश्चन सिक्स तक कर चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखी तो उसके भी प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ के नाम से तो आप पहले वो शुरू के वन टू सिक्स तक देखें फिर आप सेवन से स्टार्ट करें तो आज हम क्वेश्चन नंबर सेवन से स्टार्ट करेंगे Uh, अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन वट दी दॉेज विच लेट द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अब जैसे अभी है ना नून लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो जो काज अजम के टाइम पे थी जो पाकिस्तान इस्टेब्लिश होने के टाइम पर जो पार्टी थी उसका क्या नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो इससे इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी है वो क्यों बनी मतलब किस वजह से बनी तो ये हमने बताना है तो क्वेश्चन नंबर सेवन में ये पूछा जा रहा है हम उसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं ये उसका आंसर है वट वर द काजेज़ विच लेट द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो आए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं फॉलोइंग आर द काजेज़ विच लेट द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हमने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है तो हम बता रहे हैं कि ये ये काजेज़ हैं जिसकी वजह से जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो कयाम में आई या उसने वो क्रिएट हुई तो पहला पॉइंट कांग्रेस अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हिंदूज़ लेट द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस इन एटीन एटी फाइव जो हिंदूज़ थे जो इंडिया वाले थे अच्छा जैसे आ, जैसे मुस्लिम्स की जो पार्टी थी उस टाइम पे उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसी तरह एक हिंदुओं की भी पार्टी थी जिसका नाम क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस या सिंपली उसको कांग्रेस भी कह सकते हैं तो हिंदुओं ने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने कांग्रेस रखा और कांग्रेस किस सन में बनी वो बनी एटीन में तो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ ये जो डेट्स होती हैं ये बहुत एक अहम किरदार अदा करती हैं इन पाकिस्तान स्टडीज़ क्योंकि जो एम सी क्यूज़ हैं जो कि फ़िफ्टी परसेंट है एज़ पर शेड्यूल ऑफ़ नाव तो उसमें फ़िफ्टी परसेंट एम सी क्यूज़ आते हैं तो उसमें पी एच डी के ज़्यादातर एम सी क्यूज़ में ऐसे ही डेट्स पूछी जाती हैं तो डेट्स आपको लाजमी याद रखनी होती हैं तो अगर पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब बनी तो आप बता सकते हैं कि वो कब बनी एटीन एटी फाइव में बनी बट कांग्रेस बाई इट्स पॉलिसी एंड प्रोपागेंडा प्रूफ इट सेल्फ अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कांग्रेस बनी तो इस वजह से कि सब के हकूक इक्वल तौर पर होंगे लेकिन जब कांग्रेस बनी तो उन्होंने एक प्रोपागेंडा चलाया और मुस्लिम्स के खिलाफ वो चली और इस पार्टी से प्रूव हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुस्लिम्स की जितनी भी रिसोर्स हैं उनका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा तो पहली बात तो यही थी कि जो कांग्रेस बन चुकी थी और वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों को ही सपोर्ट कर रही थी जो मुस्लिम्स लोग थे वो बैकवर्ड उनको रख दिया था यही वजह है कि हमारे जो इंडिया के मुस्लिम्स थे उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सॉरी पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर टू है अनहैप्पी इवेंट्स ऑफ बंगाल बंगाल पार्टीशन बंगाल पार्टीशन का हम प्रीवियस एक सवाल था एक मिनट हम देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ प्रीवियस सवाल था पार्टीशन ऑफ बंगाल क्वेश्चन नंबर थ्री तो ये भी अपलोडेड हुआ हुआ है कि आप देख सकते हैं हमारी प्ले में जाकर तो इसमें आपको पूरा वो डिटेल में पता चल जाएगा कि बंगाल की पार्टीशन कैसे हुई और वो वेन वॉज इट अनाट कब वो ख़त्म हुई और किसने की तो उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर थ्री देख सकते हैं तो हमारा सेकेंड पॉइंट है अनहैपी इवेंट्स ऑफ बंगाल पार्टीशन हिंदूज़ एटीट्यूड टूवर्ड्स मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स पार्टीशन एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड एक्सपोज हिंदूज़ फीलिंग्स बियॉन्ड एनी डाउट अच्छा जो हिंदूज हिंदू लोग थे तो वो मुस्लिम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और जो पार्टीशन हुई जो बंगाल का बंगाल को तकसीम किया गया दो हिस्सों में ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में जिसमें एक साइड पर हिंदूस को कर दिया और दूसरे साइड पर मुस्लिम्स को कर दिया तो जो हिंदू लोग थे उन्हें यह लगा कि ये तो आ, उनको मुस्लिम्स को फेवर दी जा रही है तो यही वजह है कि उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर ली जिसको स्वादेशी मूवमेंट कहते हैं और क्योंकि वो मुस्लिम्स लोगों को नापसंद करते थे उनसे जलते थे तो यही वजह है कि उन्होंने जो बंगाल की पार्टीशन है उसको भी ख़त्म करवा दिया तो इससे साफ़ साफ़ जाहिर है कि हिंदू जो लोग थे वो मुस्लिम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड करते थे यही वजह है कि जो हमारे मुस्लिम लीडर थे उन्हें कौन सी पार्टी बनानी पड़ी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर सी या पॉइंट नंबर थ्री सेफ़ गार्ड फॉर उर्दू उर्दू हिंदी क्लैश वॉज द मेन रीज़न बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अब जैसा कि आप जानते हैं जो पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो थी उर्दू अच्छा सॉरी है अभी भी उर्दू है लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं बना था लेकिन उस टाइम पे जो साउथ एशिया के जो मुस्लिम्स थे उनकी जो कौमी ज़बान थी वो उर्दू थी साउथ एशिया के मुस्लिम्स उर्दू बोलते थे तो उर्दू और हिंदी का भी बहुत क्लैश होता था उस बारे में झगड़ा होता था और ऐसा हुआ कि उन्होंने इंडिया वालों ने हिंदी को ही अपनी नेशनल लैंग्वेज बना लिया जो कि एक और मुस्लिम्स को डिग्रेड करने वाली बात थी तो यही वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई तीन वजूहत हम पढ़ चुके हैं कि क्यों हम क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई तो अब पॉइंट नंबर लास्ट और पॉइंट नंबर फ़ोर की जानेब बढ़ते हैं वो है प्रोपागेंडा अगेंस्ट इस्लाम सम हिंदू लीडर्स हैड रेस्ड द स्लोगन इंडिया इज़ ओनली फ़ॉर हिंदूज़ दिस वॉज दी प्रोपरगेंडा अगेंस्ट इस्लाम एंड मुस्लिम्स अच्छा कुछ ऐसा हुआ कि जो हिंदू के लीडर्स थे ना हिंदू हिंदू लीडर्स थे उन्होंने एक स्लोगन स्टार्ट किया एक धरना स्टार्ट किया कि इंडिया इज़ ओनली फ़ॉर हिंदूस इंडिया सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है और यहाँ पे मुस्लिम्स का कोई काम नहीं है तो ये भी एक प्रॉपरगेंडा था इस्लाम के ख़िलाफ़ भी और मुसलमानों के खिलाफ भी इस्लाम मज़हब के खिलाफ भी और मुस्लिम मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी ये एक प्रॉपर उन्होंने चलाया तो इन सब वजूहत को मिलाकर ये एक हमने चार वजूहत पढ़ी इन सब वजूहत को मिलाकर उन्होंने सोचा मुस्लिम लीडर्स ने सोचा कि एक पार्टी बनाई जाए जिसका नाम उन्होंने क्या रखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंडिया इसलिए रखा क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान नहीं बना था ये पाकिस्तान के क़्याम से पहले की बात है तो इसी इसका नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मतलब के जितने भी जो इंडिया में रहने वाले मुस्लिम हैं उनकी लीग तो आज हमने क्वेश्चन नंबर सेवन पढ़ा उम्मीद है आपको इससे बहुत बहुत फ़ायदा मिला होगा अगर आप आपको ये लगता है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हासिल हुआ है और ये आपके फ़ाइनल पेपर्स के लिए बेनिफिशियल होगी तो लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब करें आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक फ्यूल का किरदार अदा करता है और इन्हें इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें बिकॉज रियल लिविंग इज़ लिविंग फॉर अदर्स अगर आप दूसरों का सोचेंगे अपने दोस्तों का सोचेंगे तो खुदा भी आपका सोचेगा तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट के साथ तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलिजर एजुकेशनल अकेडमी